हे मेरे प्यारे भाई लोग, तो कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, तो आगे भी बढ़िया रहना गाइस। सो गाइस, आज मैं लेके आ चुका हूँ और एक ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं रियल गेमर्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आप अगर फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स गेम खेलते हो तब तो आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप फ्री फायर गेम को बहुत ही लंबे टाइम से खेल रहे हो एंड आप रेगुलर गेम को प्ले भी करते हो फिर भी आपका हेडशॉट बिल्कुल भी नहीं लगता है और आपका टीममेट या फिर दोस्त सब आपको बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहने लगता है। जैसे कि मान लो आपका दोस्त या फिर आपका टीममेट आपको बोलता है कि अबे नोबड़े, पहले ट्रेनिंग में जाके ट्रेनिंग कर ले। कौन ये नोबड़ा, इसके साथ मैं नहीं खेलेगा भाई। और आपका दोस्त भी बोलता होगा देख भाई हनी, तेरे साथ नहीं खेलेंगे यार, तेरे साथ खेलेंगे तो मेरा माइनस लग जाएगा। और आपको दुनिया भर के आटू झाटू सजेशन देते होंगे। एंड गाइस, आप इन्हीं सब बातों को सुन के डीमोटिवेट हो जाते हो एंड मेरे बहुत सारे भाई लोग इन्हीं कारण की वजह से गेम खेलना भी छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना कभी भी टेंशन देने का लेने का नहीं। आपका भाई वीडियो बनाता है आप लोगों का प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। देखो गाइस, एक मोबाइल प्लेयर के लिए सबसे मेन चीज होता है उनका मोबाइल का सेंसिटिविटी। इसीलिए गाइस, आप लोग देखते होंगे जिन जिन बंदों के पास आईफोन होते हैं उन प्लेयर्स का मूवमेंट स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। एंड गाइस, आप लोग ये भी देखते होंगे जितने भी बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स या फिर यूट्यूबर्स होते हैं वो सारे लोग अधिकतर आईफोन में ही गेम प्ले करते हैं। लेकिन गाइस, बात यहाँ पर ये निकल कर आता है कि हर किसी के घर में आईफोन तो होता नहीं है। हमारे साथ क्या होता है ना, हर किसी के पास या फिर घर में सिंपल सा एक 10-20 हजार रुपए का एक सस्ता सा एंड्रॉइड मोबाइल फोन होता है, क्योंकि हम जैसा मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए 10-20 हजार रुपए भी बहुत बड़ी रकम होता है। एंड जितने भी फ्री फायर के ज्यादातर ऑडियंस है या फिर फ्री फायर खेलने वाले प्लेयर्स वो ज्यादातर 10-15 साल के बच्चे ही है। तो गाइस, अधिकतर इनके पास खुद के फोन होता है या फिर ये लोग अपने घर वाले के मोबाइल फोन से फ्री फायर खेलते होंगे। तो दोस्तों, असली मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि जो भी मोबाइल फोन से आप गेम खेल रहे हो, ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, उसका सेंसिटिविटी, ग्राफिक्स, FPS हमेशा वो वाला मोबाइल फोन का रैम एंड प्रोसेसर के ऊपर ही मैटर करता है आपका गेम कितना स्मूथ चलेगा। तो गाइस, बात यहाँ पर ये आता है कि मैं आपको ये वाला वीडियो में 3 ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने मोबाइल के सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो एंड गाइस 60 FPS अल्ट्रा HD ग्राफिक्स पे गेम प्ले कर सकते हो, वो भी विदाउट लैग के। तो भाई लोग, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 1 की। सो गाइस, सबसे पहले आपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आ जाना है एंड गाइस आपने मोबाइल के सेटिंग को खोल लेना है। सेटिंग को खोलने के बाद गाइस आपको यहाँ पर अपने मोबाइल का अबाउट डिवाइस को ढूंढ लेना है। उसके बाद गाइस आपके डिवाइस के जो बिल्ड नंबर इसको आपको ढूंढ लेना है एंड इसके ऊपर आपको 5 बार टैप करना है। एंड गाइस यहाँ पर देख सकते हो योर यार डेवलपर मोड इज ऑन एंड यहाँ से आपको चले जाना है बैक। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पर आपको सर्च करना है डेवलपर एंड गाइस यहाँ पर आपको अपने डेवलपर ऑप्शन को ढूंढ लेना है। इसके बाद इसके ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद गाइस आपको स्क्रॉल करके नीचे चला जाना है। उसके बाद गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं सिमी लिस्ट एडिट, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर डिफॉल्ट रहेगा 360 एंड यहाँ पर काट करके यहाँ पर आपको कर देना है 480 पर एंड आपको यहाँ पर सेव बटन पर टैप करके सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको चले जाना है बैक। एंड गाइस, बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में। तो सबसे पहले आपने फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स को खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पर ऊपर जो सेटिंग है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर जो सेंसिटिविटी ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस ये जो जनरल है इसको आपको कर देना है 100 एंड यहाँ पर जो रेड डॉट है यहाँ पर आपको करना है 98 पर। एंड गाइस आपको यहाँ पर चले जाना है डिस्प्ले ऑप्शन के ऊपर एंड यहाँ पर जो FPS हाई FPS यहाँ पर नॉर्मल रहेगा तो आपको यहाँ पर हाई कर देना है। उसके बाद आ जाना है आपको बैक। तो यही पे हमारा स्टेप नंबर 2 खत्म होता है। तो भाई लोग, बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 के तरफ। तो भाई लोग, अभी से इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि स्टेप नंबर 3 आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है समरिया। और आप लोग अगर कोई भी स्टेप मिस कर देते हो तो फिर ये वाला ट्रिक आपके मोबाइल फोन के ऊपर वर्क नहीं करने वाला। सो गाइस, अभी तक आप ये वाला वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको जरूर वीडियो पसंद आ रहा है। सो गाइस, आपको अगर ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज गाइस इस वाला वीडियो को एक लाइक कर देना एंड अपने 5 दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर देना। उससे मेरा क्या फायदा?
भाई ने बोला करने का तो करने का, ताकि उनको भी ये वाला ट्रिक के बारे में पता चले। एंड गाइस, फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और पास आए बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। सो गाइस, चलिए चलते हैं स्टेप नंबर 3 के तरफ। तो दोस्तों, अभी मैं आपको एक बढ़िया एप्लीकेशन देने वाला हूँ जिसको अप्लाई करने के बाद आपका हेडशॉट पड़ने का चांस बढ़ जाएगा। एंड मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये वाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर का ट्रस्टेड एप्लीकेशन है जिसका यूज करने से आपका फ्री फायर आईडी बैन नहीं होने वाला। तो गाइस, सिंपल से आपको चले जाना है इस वाला वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। एंड गाइस, वहां पर आपको ये वाला एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, तो सिंपल सा वहां से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद चलिए दिखाते हैं ये वाला एप्लीकेशन को अप्लाई कैसे करना है। सो गाइस, एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। तो सबसे ऊपर जो सिलेक्ट वर्जन है, जो ग्लोबल ऑप्शन है, इसके ऊपर ही आपको रख देना है। एंड उसके बाद आ जाना है सेंसिटिविटी टूल पर। एंड यहां पर ये वाला जो ऑप्शन है, सिंपल सा इसके ऊपर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद गाइस, ये जो आपका फ्री फायर का सेंसिटिविटी है आपके डिवाइस के अनुसार यहाँ पर बताएगा। तो नीचे जो अप्लाई वाला बटन है इसके ऊपर सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। एंड गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग यार सक्सेसफुल। एंड यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आ जाना है आपको बैक। बैक आने के बाद यहाँ पर डिटेल मोड, तो यहाँ पर डिसेबल रहेगा, आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद गाइस, गेम वर्जन, तो यहाँ पर फुल है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। तो यहाँ पर जैसा है आपको वैसा ही यहाँ पर छोड़ देना है। एंड गाइस, यहाँ पर नीचे जो अप्रूव वाला बटन है इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद गाइस, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। एंड गाइस, यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है स्टाइल, यहाँ पर क्लासिक रहेगा, तो यहाँ पर आपको कलरफुल कर देना है। उसके बाद गाइस, दूसरा वाला जो ऑप्शन है ऑब्जेक्ट LCD, इसको आपको कर लेना है मिनिमम पर। एंड यहाँ पर शेडो भी आपको कर देना है मिनिमम पर। एंड गाइस, यहाँ पर शेडो डिस्टेंस को भी कर देना है मिनिमम पर। एंड मूविंग शेडो, इसको भी कर देना है इनेबल। एंड गाइस, कलर फॉर्मेट, तो ये वाला ऑप्शन डिसेबल रहेगा, तो आपको यहाँ पर 32-bit कर देना है। एंड गाइस, यहाँ पर फाइलिंग लोड डिस्टेंस, तो यहाँ पर आपको डिसेबल रहेगा, तो यहाँ पर कर देना है मिनिमम। एंड गाइस, रिमेम्बर माई सेटिंग, इसके ऊपर कर देना है टिक। एंड ऊपर जो अप्रूव वाला बटन है इसके ऊपर आपको सिंपल सा प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं अप्रूव आपका हो चुका है। तो सिंपल सा यहाँ से चले जाना है आपको बैक। बैक आने के बाद गाइस, ये वाला जो एप्लीकेशन है आपके मोबाइल के ऊपर से हटाना नहीं है, सिंपल सा चलने देना है स्क्रीन के ऊपर। एंड गाइस, यहाँ पर फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स दोनों पे ये वाला एप्लीकेशन वर्किंग है। तो मेरा यहाँ पर फ्री फायर मैक्स इंस्टॉल है, तो मैं फ्री फायर मैक्स को खोल लेता हूँ। गाइस, आपका अगर फ्री फायर है तो फ्री फायर को खोल लेना। गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। एंड गाइस, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड पास आए बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। सो गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस, मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आपका कोई भी सवाल हो इस वीडियो के रिलेटेड, तो आप सीधा सीधे मुझे इंस्टाग्राम पर जाके पूछ सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।